लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। सस्ते दामों में भोजपुरी के ऑडियो वीडियो बनाने के लिए तथा गाना खरीदने के लिए संपर्क करें, धन्यवाद। नमस्कार भैया लोग, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है आप सबका पसंदीदा चैनल भोजपुरी एंटरटेनमेंट पर। तो भैया, आज मैं आप सबको खेसारी लाल यादव जी और पवन सिंह जी के बारे में बहुत बड़ा राज बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैंने एक वीडियो डाला था खेसारी जी के बारे में और मैंने खेसारी जी का सपोर्ट किया था, उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उस वीडियो को इतना प्यार दिया। तो भैया, आज मैं आपको भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत सारी सच्चाई बताने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव जी में बहुत सारे ऐसे पहले आते थे कि दोनों में दुश्मनी है, लेकिन अभी दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हो गए हैं। और जितने भी दर्शक थे भोजपुरी इंडस्ट्री में, जितने भी फैन थे भोजपुरी के, सब यही चाहते थे कि दोनों एक साथ हो जाएं, क्योंकि यार दोनों भोजपुरी के बहुत बड़े महानायक हैं, दोनों भोजपुरी के बहुत अच्छे अभिनेता हैं और मतलब बहुत 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 दोनों ही एक से बढ़ के एक हैं। तो दोनों का कल वीडियो आया, डांस का वीडियो, जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। साथ में खेसारी जी के घर में भी पवन सिंह जी पहुँचे और ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही बढ़िया बात है ये। हम लोगों को इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ आजकल भोजपुरी में देखने को मिल रहा है, तो आप लोग भी भोजपुरी को सपोर्ट कीजिए। साथ में भोजपुरी में जितने भी लड़ाई झगड़े की न्यूज़ आ रही है, ये सब गलत है यार। लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री में, और वैसे भी अब जितने भी लड़ाई झगड़ा थी सारे रुक चुकी है। कुछ लोग कुछ बोल देते हैं, बड़े बड़े स्टार हैं, कभी कुछ गलती से मुँह से तो निकल ही जाता है। तो कुछ लोग होते हैं फेमस होने के लिए अपने मुंह से उस चीज़ को मुद्दा बना लेते हैं। जैसे मैं एक बात बोलूँगा, आप लोग भी जितने भी फैंस हैं, बस मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, आप लोग इस बात को अपने दिल पे नहीं लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। जैसे प्रियंका पंडित जी ने बस यही कहूँगा, मैं क्या ये बिल्कुल सच है कि बस फेमस है नहीं होने के लिए किया। खेसारी लाल यादव जी पे जो भी आरोप लगाया बिल्कुल फेमस होने के लिए किया, और देखो फेमस भी हो गए। जो लोग नहीं जानते थे प्रियंका पंडित को, वो लोग जानने लगे। तो बस इसलिए आप लोग खेसारी लाल यादव जी का सपोर्ट कीजिए, वो बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छा एक्टिंग करते हैं, वो बहुत अच्छा हीरो हैं, और बहुत अपना प्यार दीजिए। साथ में पवन सिंह जी भी, पवन सिंह जी का और खेसारी लाल यादव जी का बहुत सारा वीडियो आ रहा है हम सबके पास, और दोनों बहुत ही मतलब मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। साथ में रितेश पांडे जी भी एंजॉय कर रहे हैं। और आप सबको बता दूं कि दोनों ने एक फिल्म भी साइन कर लिया है, वैसे उस फिल्म का भी नाम नॉमिनेट नहीं हुआ है, और जैसे ही नाम नॉमिनेट होगा मैं आप सबको जरूर बताऊंगा। तो भैया, आज के स्टूडेंट बस इतना बताऊंगा, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मैं आप सबसे फिल्म लूंगा अपने दूसरे वीडियो लेके, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।